हाँ तो इधर रावण की भी तैयारियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या तैयारी हो चुकी है। आप मेरे साथ आएँ, देखें, ये देखो किस तरह से इसका भी केवल इसका असर यहाँ पर रखा गया है। इसका अभी धड़ रखना बाकी है और रावण के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी यहाँ पर लगा दिए हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल एक टाइट सिक्योरिटी यहाँ पर रखी गई है। साथ में आप देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं हमारे साथ। और मेरे साथ देख सकते हो आप कि कितना बड़ा यहाँ पर रावण का पुतला ये देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये 75 फीट का यहाँ पर रावण का पुतला रखा गया है और बहुत एक तरीके से यहाँ पर एक कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है। क्रेन की सहायता से इसको उठाया जा रहा है। ये इसकी बॉडी अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे बच्चे आराम कर रहे हैं इसकी बॉडी के नीचे, एकदम झोपड़ी की तरह लग रही है इसकी बॉडी। इसको रखना भी बाकी है। साथ में जैसे इसका फेस यहाँ पर रखा गया है मेघनाथ का, और एक एक बॉडी यहाँ पर भी पड़ी हुई है। साथ में आप देख सकते हो उसके जो पैर हैं, इसके भी पैर, और एक डिसेंट वे इसको रखा गया है यहाँ पर इसको खड़ा करने के लिए, और क्रेन की हेल्प से इसको खड़ा किया जा रहा है। देखो कितनी बड़ी इसकी बॉडी, आप देख सकते हो कितनी बड़ी इसकी बॉडी, और क्रेन की हेल्प से इसको खड़ा किया जा रहा है। और देख सकते हो आप थोड़ा और आगे आते हैं हम कि बिल्कुल ही एक साथ में एक बॉडी वो भी रखी हुई है यहाँ पे कुंभकर्ण की, और एक ये रावण की, एक मेघनाथ का पुतला यहाँ पे रखा हुआ है। साथ में रावण का पुतला वहाँ पे रखा हुआ है, जिसके 10 सिर यहाँ पे बनाए गए, और इसमें अलग अलग, और इसमें एक 10 सिर यहाँ पे बताए गए, और इसमें एक अलग अलग तरीके से फीचर भी शायद डाले गए हैं, जिसकी आँखें हिलना और उसका हंसना भी इसमें ऐड किया गया है। और हम थोड़े अंकल जी से बात करते हैं। नमस्ते अंकल, क्या इस बार कितने फीट का अपना रावण रहेगा? रावण होगा यार 72-75 फीट। 72 फीट का तो तैयारी इस बार कैसी है मिली कि आपको पिछले साल से कैसा लग रहा है? पिछले साल से अब देखो तैयारी अभी तो ढीली चल रही है, अब देखो एक्टिव हो जाए तो बढ़िया। मतलब पिछले साल से थोड़ी कम चल रही है, कम है शायद, सुना है सही है। और मेला क्या साइज वही है कि थोड़ा छोटा कर दिया है, बड़ा है? नहीं साइज वही है, शायद वही जगह वही है फिक्स। तो कैसा रहेगा सर मेला का? मेला बढ़िया रहना चाहिए। आप कोटा से हो? कोटा से। तो यहाँ पर रावण भी 75 फीट क्या 75 फीट का ये रावण बताया गया है आप लोगों ने, और काफ़ी डिसेंट तरीके से तैयार किया गया है। और यहाँ पर अभी इसका काम बाकी है। यहाँ पे देखो कितनी तरह लाइटिंग की यहाँ पे तैयारी की जा रही है, जो कल का कार्यक्रम होने वाला है काफ़ी स्पेशल होने वाला है। यहाँ पे फटाके वटाके सबका यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है। नमस्ते। नमस्ते पोटासिया। हाँ तो क्या कितने फीट का इस बार रावण आपको लग रहा है? मेरे को 90 करीब। 90 फीट? हमने सुना 75 फीट का है। अच्छा, मेरे इतना पढ़ा नहीं है, अखबार और अखबार नहीं पढ़ता है। हाँ मेले की तैयारी कैसी, मतलब पहले से धीमा चल रहा है क्या, वही रफ्तार है? वही है। और साइज मिलेगा क्या वही है पहले जैसा कि कम साइज करेगा? सेम है, थोड़ा बहुत 10-21-19-20 का फर्क। चलो सही है। इस बार मेला का क्या रहेगा, आपको कैसा लगता है, अच्छा रहेगा या पहले से? अच्छा ही लगता है, बस वो वाली बात है कि थोड़ी रश ज़्यादा हो जाता है तो अजीब सा लगता है। तो हाँ नमस्ते। नमस्ते। क्या आपने रावण कितने फीट का है आपका? क्या रावण का जो साइज़ है वो कितने फीट का है? 15 या 30 फुट का हुआ। 15-30 फुट का। चलो सही है। हमने सुना 75 फीट का है शायद। 75 ज़्यादा हो जा रहा है। 75 फीट ज़्यादा है यहाँ पर, फिर भी ये बच्चे भी यहाँ पे आए चुके हैं देखने के लिए। और हर साल आते हैं, यहीं पर रहते हैं, किशोरपुरा रहते हैं, हर साल यहाँ पर आते हैं, और ये सारी तैयारियाँ ये बच्चे करवाते हैं यहाँ पर। इन्होंने इतना बड़ा रावण बनने में हेल्प किया है। वो बेटा काम कर रहा दानी। अच्छा, वो आपका भाई है? तो ये बहुत ही अच्छे बच्चे यहाँ पे हर साल आते हैं और बहुत हेल्प करवाते हैं यहाँ पर। तो 1 लाख इन बच्चों के लिए भी ज़रूर होता है। और हमारा चैनल है इंडिया वाले भाई साहब। कल का क्या सीन रहता है, कितना किस तरह ये देखेंगे पुतले और किस तरह इनका दहन होगा, वो आपको कल सारा वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम एक बच्चे से और जानते हैं कि रावण कितने फीट का है इस बार? 4-5 फीट का तो होगा। 170 फीट का ये भैया बता रहे हैं। कितने का? 170 फीट। 170 फीट का रावण यहाँ पर है और 4-5 फीट का ये बता रहे हैं। मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है दोनों की बात सुनकर कि 170 फीट का है या फिर 4-5 फीट का है। हम और किसी से जानेंगे फिर कितने फीट का है। मैंने सुना है 75 फीट का है। हाँ जी 75 फीट का है। अभी आप 4-5 फीट का बोल रहे थे। कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? अरहान। अरहान, तो कैसा लग रहा है आपको मेला? बढ़िया। हर बार आते हो? हर बार आते हैं। हाँ तो क्या कुछ झूले वगैरह झूलते हो क्या, फिर ऐसे घूमते रहते हो? झूलते हैं। झूलों में मजा आता है आपको? इस बार आओगे मेले में? हाँ। तो आप रावण दहन पे आते हो? हाँ। कितनी लोग आते हैं यहाँ पे, कितने लोग आते हैं? बहुत लोग आते हैं, पूरा मतलब पूरा ग्राउंड भर जाता है। पूरा ग्राउंड भर जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं दहन होता है जब, और पूरा ग्राउंड है ये भर जाता है। बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर, ये पूरा भर जाता है। और बड़े प्यारे बच्चे हैं, सबने हमारी हेल्प की और अच्छा हमको रिव्यू दिया, अच्छी नॉलेज दी रावण के बारे में। रावण क्यों जलाते हैं वैसे? पर
ये रावण क्यों जलाते हैं? ये कुछ रीति रिवाज होती है, जो जैसे यार त्यौहार मनाते हैं ना ऐसे रावण भी जलता है। इनका कुछ रीति रिवाज होती है, पूजा वगैरह, फिर रावण जलाते हैं। कोई आता है जो त्रिशूल की देता है ना, वो फिर रावण जलता है। इसे नहीं नहीं अपने श्री राम जी आते हैं, वो धनुष से बाण मारते हैं, वो मारते हैं धनुष से, वो जल जाता है। त्रिशूल तो शंकर भगवान के पास होता है, बीच में मारते हैं जो जल जाता है, उसकी नाभि में मारते हैं। नाभि में मारते हैं। चलो थैंक यू वेरी मच, आपने हमको अच्छी नॉलेज दी। वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है ना, लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनका चैनल आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, थैंक यू। तो हमने आपको सब कुछ बता दिया यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा तरीका यहाँ पे बताया गया है। और पूछे लोगों से गरी नमस्ते, नमस्ते। रावण कितने फीट का है इस बार आप बताओ? ये 75 फीट बताया, 75 फीट का। और मेले का साइज़ वही है कि पहले से कम कर दिया गया है? नहीं वही है, साइज वही है। और क्या तैयारियाँ कैसी चल रही है, पहले से कम है कि ज़्यादा है? ठीक है, पहले से कम है तैयारी, लेकिन धीमी लग रही है यहाँ, क्योंकि हो जाना चाहिए था, क्योंकि कल दशहरा है, कल से स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या लेट हुआ ना, कार्यक्रम भी लेट हुआ, काम भी देर से हुआ। यार दो निगम है ना, एक दूसरे को डालते रहते, पहले एक थी दूसरी जिम्मेदारी थी। तो यहाँ पे क्या जिम्मेदारियों का पूर्ण तरह से निर्वहन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक नेता दूसरे पर जिम्मेदारियाँ डाल रहा है, और जो काम है बड़ा ही धीमी गति से यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, और बहुत ही यहाँ पे हाई सिक्योरिटी भी रखी गई है सब कुछ देखते हुए। और लोग बाग आ रहे हैं यहाँ पर रावण देखने के लिए क्या क्या है क्या नहीं है, और अभी से यहाँ पर तैयारियाँ हो चुकी हैं सारी। तो बड़ा ही अच्छा लगा हमको यहाँ पर, और आपको हमने सब कुछ बताया क्या। और हम भैया से पूछने वाले, क्या नमस्ते भैया? हाँ नमस्ते, कहाँ से आए भाई? हम तो गुजरात से आए। आपकी दुकान लगाई आपने? ये रहे हमारे आइटम मिलता है, सभी तलवार वगैरह, बिलोल बिलोल गदा सब कुछ मिलता है हमारी दुकान में। अच्छा, और रावण कितने फीट का इस बार बनाया गया है? राम तो वो तो मेरे को पता नहीं यार, सॉरी यार मेरे को मालूम नहीं है। चलो कोई नहीं, तो फिर आपके कौन से चालन है? हमारा इंडिया वाले भाई साहब है। इंडिया वाले चैनल का नाम तो होगा ना? हाँ, इंडिया वाले भाई साहब, इंडिया वाले भाई साहब। हाँ चलो, यहाँ पर इस तरह की आपको यहाँ पे आइटम मिलने वाले हैं, इस तरह की आपको यहाँ पे आइटम मिल जाएंगे। नमस्ते आंटी, लाओ ना, क्या बोलूँ, हिंदी में बोलो कि मराठी में? हिंदी बोलनी है आपको। हिंदी में क्या आइटम मिलता है आपकी दुकान पर? अब मेरी दुकान पे लंबा बबल मिलता है, फिर वो पांच वाला गुब्बारे वाला बबल मिलता है, तीर बाण मिलता है, फिर वो बबल मिलता है, फिर ये सिंगड़ा मिलता है लाइट वाला, फिर गदा मिलती है, राम का बाण मिलता है, भोलेनाथ का त्रिशूल मिलता है, सब आइटम मिलती है। आपको क्या चाहिए? कहाँ से आएगा? हम लोग आए बड़ौदा से, गुजरात से। हम लोग बड़ौदा से नहीं आते हैं तो मेले का रौनक आती नहीं है, जब रामलीला का चीज़ लाते हैं तभी रौनक आती है, इसके बिना रौनक आती नहीं है। तो एक बार अगर आप मेले में आते हो तो आप इस शॉप पे विजिट करें, और आप जो भी खरीदना पसंद है वो जरूर खरीदें। और बहुत ही दूर से आप लोग आते हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से, तो इनका भी जरूर आते हैं, तो गुजरात वाली चीज़ है वही खरीदनी जरूरी है, रामलीला में यही चीज़ जरूरी है। रामलीला होने के बाद कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, पर जब रामलीला होती है, रावण जलता है, राम आते हैं, उसको तीर मारते हैं, तब यही माल लेना जरूरी है। तीर बाण, फिर गदा तलवार, फिर भोलेनाथ का त्रिशूल, वो सब लेना जरूरी है। रावण को माने का त्रिशूल भी है। हाँ, रावण को माने का त्रिशूल भी, ऐसी बड़ी बड़ी तलवार है। आप एक बार जरूर खरीदें, क्योंकि ये चीज कंपलसरी है आपको लेना, और जरूर आए यहाँ पर आप खरीदेंगे तभी लगेगा कि आप मेले में जाके आए हैं, रावण को मार के आए हो। देखो लोग इतनी दूर दूर से यहाँ पे शॉप लगाने आते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उनकी यहाँ पे परचेज करें और उनका सपोर्ट करें, उनको बढ़ावा दें यहाँ पे आने के लिए। आप कोटा में उनका वेलकम करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो हमने आपको बताया कि शॉप पे भी जरूर आना है आपको, क्योंकि आना कंपलसरी है, यहाँ पे चीज़ों को खरीदना कंपलसरी है। और अभी इधर भी थोड़ी थोड़ी तैयारियाँ हो चुकी हैं, यहाँ पे आधी मतलब दुकानें केवल अभी लगी हुई है, इन पे काम करना बाकी है अभी। और बहुत ही अच्छा हमको यहाँ पे रेस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का, काफ़ी एक्साइटेड हैं आप लोग यहाँ पे, जो बाहर से आए वो व्यापारी भी एक्साइटेड है, यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं वो भी बहुत एक्साइटेड है, और यहाँ पे जो कोटा के लोग आ रहे हैं वो भी बहुत एक्साइटेड है मेले को लेकर, और हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि कल मेला स्टार्ट होने वाला है और कैसा रहेगा दृश्य, और मे भी आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, और हम आपकी पूरी एक्साइटेड का ध्यान रखने वाले हैं। कल हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे क्या क्या मेले का सीन है, और ज़रूर आपको बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। वीडियो को जरूर देखिए, अगर वीडियो को पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक करें, और कल हमारी जो वीडियो है उसको आप जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।